जाऊं। देखो यहाँ पर हम लोग पिछले चार पांच वीडियो से हम लोग संधि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को व्यंजन संधि के साथ पूरे संधि के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी किस तरह विच्छेद करते हैं, कौन सा स्वर आने से क्या होता है, इन सबके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन आप देखो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने पर सभी संधि के मिक्स करके यहाँ पर कौन सी संधि या पर्टिकुलर संधि का नहीं, सभी संधियों को मिक्स करके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा। तो हम देखेंगे कि विच्छेद करना और उसका संधि का नाम हम कैसे जान सकते हैं। देखो स्वागत है प्रश्न, तो इसका स्व प्लस आगत, स्वागत स्वागत सो आ सो यहाँ पर देखो स्व प्लस आगत है, मैंने यहाँ पर सु प्लस आगत प्लस आ तो यहाँ पर स्वागत हुआ। मैंने कहा कि सो ऊ प्लस आ वा होता है, तो यहाँ पर ये बनता है पीएन संधि ऊ प्लस आ स्वा, सो यहाँ पर देखो ऊ प्लस आ आए तो ये संधि मैंने आपको बताया, तो इसका आ औ होता है तो यहाँ पर पीएन संधि। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कहा कि ई प्लस आ या ऊ प्लस आ ऊ, सो यहाँ पर देखो स्वागत महान सहानुभूति सहा प्लस अनुभूति सहानुभूति सहा प्लस अनुभूति सो यहाँ पर आ प्लस आ तो होया आ, तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि। और उसके बाद देखो सज्जन सत प्लस जन सत प्लस जन, मैंने आपको बताया कि जा कौन सा अलग सत प्लस सज्जन है सच प्लस जन, जा किस वर्ग का है छह वर्ग का है, इसलिए हम सच प्लस जन सज्जन माने जिस पक्ष का अक्षर का हमें हलन दस रहा है तो वहां पर उसी वर्ग का पहले गए अक्षर के साथ हमें चेक करना सच प्लस जन सज्जन, ये बचाना बता है व्यंजन संधि। और उसके बाद देखो परोपकार पर प्लस उपकार प्लस पर प्लस उपकार, सो यहाँ पर देखो पर प्लस उपकार ओ आ प्लस ऊ इक्वल टू क्या होता है, सो इसका वो बनता है ओ पर आ प्लस ऊ इसका मतलब क्या है ओ, इसका मतलब ये है ये गुण संधि। सो यहाँ पर देखो पर प्लस उपकार ओ ए और ओ आए थे ओ गुण संधि में आपने बताया, सो पर प्लस आ प्लस ऊ इसका बनता है ये, सो इसका मतलब है वो, सो यहाँ पर देखो वो आ प्लस टू इक्वल टू वो बनता है ये गुण संधि में आता है। सदैव सदा प्लस सदा प्लस केवल सदैव, सो यहाँ पर देखो सदैव सदा प्लस केवल सदैव, सो यहाँ पर आ प्लस ये इसका बनता है आई, सो आई आई तो मैंने आपको कहा कि ये वृद्धि संधि, तो ये बनता है वृद्धि संधि। उसके बाद मतानुसार मत प्लस अनुसार मत प्लस अनुसार मतानुसार, यहाँ पर देखो आ प्लस आ इसको हो जाता है आ माने ये दीर्घ संधि, मत प्लस अनुसार मतानुसार ये बनता है दीर्घ संधि। सो मुनि इंद्र मुनि प्लस इंद्र मुनि प्लस इंद्र मुनि इंद्र मुनि इंद्र क्या बनता है मुनि इंद्र की आएगा क्या कहा दीर्घ संधि मुनि इंद्र दीर्घ संधि बनता है। सो गुरुपदेश गुरु प्लस उपदेश गुरु प्लस उपदेश आता है गुरुपदेश माने आ प्लस सो आ प्लस सो यहाँ पर देखो गुरु प्लस रू प्लस उ सो ये बनता है यहाँ पर देखो रूप प्लस जो ये गुरु उपदेश वो आता है तो इसका बन जाता है सो यहाँ पर बनता है ये गुण संधि वो आए तो सो ये बनता है गुण संधि। लोकोपकार लो प्लस उपकार लो प्लस उपकार यहाँ तो क्या होता है आ प्लस ऊ सो आ प्लस टू क्या बनता है लोग ओ वो बनता है तो वहां पर क्या होता है लोगों पकार लो वो आए तो ये गुणा संधि।
So Mahoday, Maha plus Uday, ये भी गुणसंधि. So आप देखो महर्षि, Maha plus ऋषि. So A plus Ru. So इसका महर्षि. So यहाँ पर क्या बताया इसका, ये दीर्घ संधि. और उसका देखो लोकेश्वर, लोक प्लस ईश्वर, लोक प्लस ईश्वर, लोकेश्वर. सो यहाँ पर होता है लोकेश्वर, इसका बनता है गुण संधि, लोक प्लस ईश्वर. और उसके बाद शान, शे प्लस अन, ये बनता है आयाधि संधि. और उसके बाद पितृग्न, पितृ प्लस आज्ञा. तो इस तरह लिख सकते हैं, या तो इस तरह भी लिख सकते हैं. पितृ आज्ञा मैंने कहा था कि रू अर आ जाता हो तो ये क्या बनता है. सो रू प्लस आ वाले जो से अर होता है, ये बन जाता है यण संधि. उसके बाद पावक, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, पावक, ये आयादि संधि. और उसके बाद स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, ये बन जाता है एंड संधि. वीरांगना, वीर प्लस आंगना. सो यहाँ पर ये बन जाता है दीर्घ संधि. सो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को कुछ 17 संधियों का उच्चेद करके मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है. आप इन सभी उदाहरण के अलावा कुछ और एग्जाम्पल लेकर अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये संधि आपके लिए आसान होगी. यहाँ पर मैंने व्यंजन संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखा है. मैंने आप लोगों को बताया कि व्यंजन संधि बहुत ही आसान है, क्योंकि जिस व्यंजन को हम वहां पर संधि में पाते हैं उसी वर्ग के पहले अक्षर के साथ उच्चेद करते हैं. दीर्घ संधि में आ, ई, ऊ, ऋ का दीर्घ आता है. गुण संधि में ये और वो आता है. वृद्धि संधि में आई और औ आता है. यण संधि में आई, औ एंड अर आता है. सो वहां पर और उसके बाद आयादि संधि में आप लोगों को, माने यहाँ पर आप लोगों को वो पहले आ, वो ई, वो एंड देन वो पहले आते हैं, उसके बाद आ आती है. सो वृद्धि संधि में, सो यहाँ पर हमें और आयादि संधि में पहले आता है हमें ये और वो, उसका आई बन जाता है. सो यहाँ पर देखो ये हमारा संधि, संधि के रूपांतरण, मैंने आप लोगों को विच्छेद करना, संधि को पहचानना, संधि के बाद कौन से स्वरों का आना आप लोगों को बताया. मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही आसान संधि भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आ ये को दीर्घायत है दीर्घ संधि में डालो. शिरोरेखा के ऊपर एक कली आए तो गुण संधि, मैंने ये और वो आए तो. शिरोरेखा के ऊपर दो कली आए तो उसे वृद्धि संधि में मैंने आई और औ आ लो. उसके बाद हलंत अक्षर, सो या, वा और रू, रा, मैंने अल, त्रा ऐसे आए तो वो ऋण संधि में डालो. उसके बाद आप लोग आयादि संधि में तीन अक्षर आते हैं, वहां पर कोई भी शिरोरेखा के ऊपर कुछ भी नहीं आता, वहां पर सिर्फ तीन अक्षर वाला शब्द आता है. पावन, नयन, चयन, नायिका, इस तरह के आते हैं. सो व्यंजन संधि में आसान से मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है. तो ये थे हमारे संधि के कुछ विवरण. मैं आई होप आप लोग इसका इन संधियों के विच्छेद कर आप लोगों ने समझ लिया होगा. तो यहाँ पर आप बिना स्रोत को लिए डायरेक्टली आप लोग संधि का नाम देखो और संधि कौन कौन से ऐसे. देखो यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर पर्टिकुलर उदाहरण बारे दे रही हूँ. किताब में जितने संधि है, 10th स्टैंड अंदर 9th स्टैंड बच्चों को मैं बता रही हूँ, वो सभी संधि एक तरफ डाल दो, उन्हें विच्छेद करो और उनका नाम लिखो. और एक बात मैं आप लोग बताऊँ, एग्जाम में टेक्स्ट बुक में जो रहता है वही देंगे, बाहर की नहीं देंगे. लेकिन फिर भी अगर आप लोग उनके बारे में जानकारी रखोगे तो बाहर के कुछ शब्द हम पूछेंगे तो भी आप लोग विचार करके लिखने की क्षमता आप लोगों में आ गया आ जाएगा. तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है समझते हुए मैं यहाँ पर अपना क्लास जो है यही समाप्त करती हूँ. और कल मैं अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नया 9th and 10th को नया पाठ शुरू करूंगी. तो व्याकरण और उसके लिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, आप लोग गृह कार्य भी मैंने आप लोगों को दिया है, तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करो. सो प्रैक्टिस करते हुए इसमें परफेक्ट हो जाओ. तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद.